मित्रांनो, हे आहे श्यामनगर दलव आणि इथेच दिवाळीची सकाळ जोगेश्वरीकरांची होते. मला बघून घ्या मित्रांनो, आता फटाके बघतोय, संध्याकाळी फटाके फोडणार. माझी लाईफ चेंज केली आहे, आता स्केटिंग शिकवतो. इंस्टाग्राम वर लय फॅन आहे आपला, म्हणजे रील्स मध्ये बोलू शकतो. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषियन रिकॉर्ड ब्लॉग. सर आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में. सर दोस्तों, आज है दीपावली का दिन, तो आप सभी को हैप्पी दीपावली और आपके घर में सुख शांति बनी रहे. तो दोस्तों, आज का वीडियो फिर से आज इस साल भी लेट बन रहा है, बिकॉज हमारी दिवाली लेट चालू होती है. दिवाळीची सकाळी नेहमी आपली लेटच असते झोपून उठायला. तर आपण आता जाऊया, आपले काही मित्र खाली वाट बघतायत. तो चलो दोस्त लोगों से मिलेंगे अभी नीचे आके. ये रही अपनी सीरा. और दोस्तों ये देखो, बच्चों के फटाकों का नतीजा. कवर ही जल गया है गाड़ी का, बट कोई बात नहीं. हमारे कुछ दोस्त लोग आ गए हमें मिलने के लिए. शुभ दीपावली. आपले छोटे मित्र मंडळ काय म्हणता, तुम्हाला कसं कळलं मी इकडे आता? यश आणि कुठे आहेत? यश आणि अच्छा, जब भी मैंने ये गाड़ी परचेज की थी ना, वो टाइम पे ये दो मंगाया था. जो मीटर का स्क्रैच गार्ड है, मतलब स्क्रीन गार्ड होता है, तो मुझे दो आया था वो टाइम पे. एक तो अभी मेरा दो तीन साल के बाद निकल गया, बट अभी भी आप मीटर देखोगे ना तो प्रॉपर नया है. स्क्रैचेस भी नहीं है, थोड़ा भी एकदम नए जैसा है. थोड़ा भी स्क्रैचेस नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि ये क्या होता है ना, ये पूरा स्क्रैच गार्ड का कमाल है. तो दोस्तों, आप भी कभी भी अगर, मतलब आपके पास अगर ड्यूक टूनटेड या कोई भी बाइक है, तो उसका मीटर की जो ये स्क्रीन होती है उसको अच्छा रखने के लिए आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना ज़रूरी है, ताकि ऐसा दो तीन साल के बाद भी नया रहे. अभी मैं ये लगाऊँगा तो ये भी दो तीन साल रहेगा, तो दो साल भी रहेगा तो भी पाँच साल अच्छा रहेगा आप मेरा मीटर. तो उसके लिए दोस्तों, तो अभी ये मैं फटाक से इंस्टॉल कर लेता हूँ. ये थोड़ा ब्लू में है, मेरा जो लास्ट टाइम वाला था वो ट्रांसपेरेंट था, बट पता नहीं क्यों, या तो मैंने थोड़ा गलत लगाया या तो मुझे पता नहीं है कि कुछ मिस्टेक हुआ है, बट जिस तरह से आप लिखा था उसी तरह से मैंने किया हुआ है. बट कोई बात नहीं, वैसे तो ब्लू है और बस हो गया. मतलब जो चीज़ें मुझे दिखनी चाहिए वो मुझे तो दिख रही है, बाकी आप लोगों को नहीं दिखेगी तो भी चल जाएगा. बट इससे बेनिफिट ये है कि आपके मीटर का जो ये स्क्रीन प्रोटेक्टर है, मतलब स्क्रीन पे स्क्रैचेस नहीं आएंगे, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है अपने लिए, बाकी कुछ नहीं. चलो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. हे बघा आमचे मंडळ, हे बघा. अरे मित्रांनो, हा आलेला माझ्या घरी. अरे मी खाली गेलेलो. शुभ दीपावली. शुभ दीपावली. शुभ दीपावली. शुभ दीपावली. शुभ दीपावली. शुभ दीपावली. संपत भाऊ. शुभ दीपावली. अरे व्हाइट व्हाइट. अरे अरे शुभ दीपावली. हेलो गाइस, शुभ दीपावली. शुभ दीपावली. शुभ दीपावली. शुभ दीपावली. शुभ दीपावली. ऋषियन रिकॉर्ड फायर. गेटच्या एंट्रन्सला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एक सुंदर अशी प्रतिमा ठेवली आहे. मित्रांनो, हे आहे श्यामनगर दलव आणि इथेच दिवाळीची सकाळ जोगेश्वरीकरांची होते. आपण आता लेट आलो आहे म्हणून, नाही तो बहुत क्राउड होता है अभी सुबह सुबह. अभी दोपहर के 12-1 बजे, तो 12-12:30 हो गए होंगे. इसके लिए सब लोग अभी निकल रहे घर पे, वरना बहुत पब्लिक होती है यहाँ पे, बहुत मतलब भीड़ बहुत होती है. अभी अपना एक दोस्त भी है यहाँ पे, कैलाश अपना हीरो. शुभ दीपावली. शुभ दीपावली. शुभ दीपावली. शुभ दीपावली. पानी में सब पटाखे फोड़ के कचरा कर दिया वो लोग ने. हेला बघून घ्या मित्रांनो, आता फटाके बघतोय, संध्याकाळी फटाके फोडणार. समज आहे रे कशा लागली तुझ्या. त्याच्याशिवाय जोगेश्वरीत मजा नाही. त्यासाठी श्यामनगर तलाव फेमस आहे. आता मुली पार्लरमध्ये होत्या, इकडे उगाच असं वाटत. दोस्तों यहाँ पे तो घुमा, बट कुछ वाइब नहीं आ रही है, क्योंकि वैसे भी मैं तो लेट ही आ चुका हूँ यहाँ पे, और कोई दोस्त लोग भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह आके लोग चले भी गए और मैं अभी आया हूँ. तो अभी थोड़ा हम लोग बाइक पे शूट करेंगे, उसके बाद देखेंगे
ये ब्लॉग शाम तक बना रहेगा, और हो सका तो मैं थोड़ा शाम को घूमने के लिए निकलने वाला हूँ, क्योंकि कुछ मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पे जो लास्ट टाइम पे था। वैसे तो मैं खुद लेट आया हूँ, अभी ऑलमोस्ट पब्लिक चले गई है 1 बजे, क्योंकि सुबह सुबह लोग आते हैं यहाँ पे 9 बजे। A few moments later. A few moments later. कामावर गेला भाव आपला, काय करणार तू, दिवाळी असूनही आपल्या मित्राला कामावर जात आहे, फोन वरून आपला एंटरटेनमेंट बघतोय का? राहुल तुला घेतला मी ब्लॉग मध्ये, भाव आलाय, आलाय भावा, मेन म्हणजे हा इंस्टाग्रामवर लय फॅन आहे आपला, म्हणजे रील्समध्ये बोलू शकतो, लॉंग व्हिडिओ पण बघतो आपला, हा नाही बघत, हा माणूस नाही बघत, नेहमी लाईक असतात, नेहमी सबस्क्राईब असतो मला, मी माझ्या मित्राला सुद्धा सांगतो आठवणीने त्याला सबस्क्राईब करा, भले मला बघत नसेल पण त्याला नेहमी बघतो, व्हिडिओ मध्ये रोल द्यायचे कमी कर जरा, अरे वेज क्रिस्पी आहे फक्त, सगळं मिक्स भाज्या आहेत, संपत चिटणीस आपले शेफ आहे ते, संपत चिटणीस मी टीम मध्ये होतो, सगळ्यांना चॉपर आणि सगळ्यांना तळतो, माझी लाईफ चेंज केली आहे, मी आता स्केटिंग शिकवतो, मित्रांनो दुपारी जेवल्यानंतर इतकी सुस्ती आली की डायरेक्टली येऊन झोपलो, आणि आज संध्याकाळी कंटिन्यू करतो, तर बघू आता आपण पुन्हा एकदा चाललो आहे बाहेर, कारण की सकाळी दुपारी लेट झालं होतं, मग डायरेक्टली येऊन झोपलो, कारण की एवढा भयंकर प्रोग्राम होता की असं वाटत होतं तिकडेच झोपावं, पण तिथे फोटो वगैरे काढून मग नंतर आम्ही लोकं सर्व घरी आलो, तर आता बघू आपण पुन्हा खाली जाणार आहोत, तर भेटू खाली। A few moments later. उसकी तो पूरी वाट लग गई है, ट्रेन में ज़्यादा कर दी थी एक्चुअली। शिवाजी पार्क जाने का प्लान है, देखते अभी, वहाँ पे मैंने सुना है कि लाइटिंग वगैरह है। ऐसा लग रहा है अगर बाइक से आता तो अच्छा होता, अभी देखते ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। A few moments later.
क्राउड खूप आहे. मी तर तुम्हाला हेच सजेस्ट करेन की विदाउट बाईक या, विदाउट बाईक, कारण की बाईक घेऊन आलात तर तुम्हाला इथे पार्क करावं लागेल आणि थोडं रिस्की आहे, बट तरी पण तुम्ही येऊ शकता. पण कुठेतरी माझा हा डिसिजन चांगला होता की ट्रेननी यायचा, कारण की बाईक पार्किंग इथे खूप ट्रॅफिक आहे यार, पब्लिक ना पब्लिक खूप आहे इथे. One hour later. दोस्तों वहां से निकलने के बाद थोड़ा बहुत कुछ खाया मैंने, फिर सीधा आ गया घर पे. अभी लगभग 12:30 बज चुके रात के, और मुझे अभी रात भर, मतलब मैंने सोचा आते आते कि यार मस्त की खाना खाया सो जाऊंगा, बट ऐसा नहीं है, एडिटिंग करना है, सुबह ब्लॉग आउट करना है, ये वाला तो करना पड़ता है भाई. आज मैं जहाँ गया था शिवाजी पार्क, वहाँ पे दादर में लाइटिंग्स का पूरा किया हुआ है. मैं रिकमेंड करूँगा आप जाके देख सकते हो, बट मेरे ख्याल से एक दो दिन ज़्यादा भीड़ होगी बिकॉज सब लोगों को छुट्टी है संडे तक. बट अगर जाते हो तो फोर व्हीलर अवॉइड करना, बाइक से जाना, क्योंकि बाइक पार्किंग कैसे तो एडजस्ट आप कर दोगे. बाकी अगर ट्रेन से भी जाते हो तो वॉकिंग डिस्टेंस कुछ 20 मिनट का है, ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट का ही है, तो वैसे भी आप इंजॉय कर सकते हो. और ज़्यादा कुछ है नहीं, बस लाइटिंग्स वगैरह आप देख सकते हो, फोटो वगैरह खींच सकते हो. बट आज इतनी भीड़ थी कि फ़ोटो का मतलब फ़ोटो तो खींचना दूर की बात है, वहाँ पे ज़्यादा टाइम भी मैं स्पेंड नहीं कर पा रहा था, तो फिर सीधा मैं वहाँ से थोड़ा बहुत शूट करके निकल गया डायरेक्टली. बस आज का वीडियो यहीं तक था. किसी भी रीज़न से अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. बाकी मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी दीपावली, बाय बाय.